सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाला स्लोथ बेयर विश्व में पाए जाने वाली भालू की 8 प्रजातियों में से एक है। प्राचीन महाकाव्य रामायण में भी जामवत के तौर पर स्लोथ बेयर का वर्णन किया गया है। एक समय में भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान में पाए जाने वाला यह भालू अब सिर्फ भारत, नेपाल और श्रीलंका में ही पाया जाता है, और इसमें भी इसकी कुल संख्या की 80% संख्या सिर्फ भारत में ही पाई जाती है, जो भारत के कुल 21 राज्यों में स्थित है। भालू सामान्यतः घास स्थल, उष्णकटिबंधीय वन एवं झाड़ीदार भूमि पर पाए जाते हैं। काले बिखरे हुए बाल और गुंबद आकार पीठ वाला यह भालू जब जब अपने पैरों पर खड़ा होता है तो इसके सीने पर वी या यू आकार का चिन्ह देखा जा सकता है। इसके अगले पांव के नाखून लंबे होते हैं, जो उसे दीमक व चींटियों के बिल खोदने में सहायता करते हैं। नर भालू का वजन 80 से 140 किलोग्राम एवं मादा का वजन 55 से 100 किलोग्राम होता है। भालू अपने खोराक में सामान्यतः चींटी, दीमक जैसी समूह में रहने वाली कीट, मीठे फल एवं मधु ग्रहण करते हैं। मई से जुलाई के महीनों के दौरान प्रजनन करके मादा आमतौर पर 7 से 8 महीने के गर्भकाल के बाद एक सुरक्षित और अंधेरी गुफा में 2 और कभी कभी 3 बच्चों को जन्म देती है और 1.5 महीने तक गुफा में ही रहती है। बच्चों को तब तक माता की पीठ पर सवारी करते हुए देखा जाता है जब तक कि वे 1 वर्ष के नहीं हो जाते और 3 से 4 साल की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। भालू देर शाम से सुबह तक सक्रिय रहते हैं और दिन के दौरान पत्थरों के बीच या गुफा में आराम करना पसंद करते हैं। आमतौर पर भालू अकेला होता है, लेकिन कभी कभी एक मादा को अपने बच्चों के साथ देखी जाती है और तब वह अधिक आक्रामक होती है और अचानक मानव या बड़े जानवर पर हमला करती है। हमारे आसपास भालू की उपस्थिति को उसके पैरों के निशान, पेड़ों पर पंजे के निशान, विस्टा और शहद आदि खाने के बाद जमीन पर पड़े छत्ते के टुकड़े से जाना जा सकता है। मानव बस्ती के आसपास भालू की उपस्थिति के लिए उपेक्षा के कारण मानव और भालू का घर्षण बढ़ा है। भालू के हमलों में कुछ लोग अपनी जान गंवा चुके हैं या घायल भी हो गए हैं, और इसके प्रत्युत्तर में मनुष्य भी भालू पर हमला करते हैं और कई बार मार भी डालते हैं। भालू एक मांसाहारी जानवर नहीं है और जानबूझकर हमला भी नहीं करता है, फिर क्यों यह संघर्ष? मुख्य रूप से लोगों में जागरूकता की कमी, कम होते जंगल क्षेत्र और गर्मी के मौसम में भोजन और पानी की कमी इसके लिए जिम्मेदार है। भालू क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर अचानक भालू द्वारा हमला किया जाता है जब वे फल और ईंधन के लिए अचानक जंगल में जाते हैं। भालू के हमले को रोकने और इसके साथ सह अस्तित्व के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि भालू की उपस्थिति के संकेतों की पहचान करके भालू की उपस्थिति की सूचना निकटतम वन विभाग को देनी चाहिए। जंगल में समूह में ही जाना चाहिए। अंधेरे के समय में टॉर्च और छड़ी को साथ रखना चाहिए। यदि भालू मौजूद है तो जोर से शोर करे ताकि जानवर अपने मार्ग को बदल ले। जंगल में पेड़ के नीचे आराम करते समय उस पेड़ पर उसका भोजन, फल या मधुमक्खी का छत्ता नहीं है, यह निश्चित कर ले। यदि भालू के साथ सामना हो जाता है तो शांत व स्थिर रहने का प्रयत्न करे व तुरंत ही जमीन पर उल्टे लेट जाए और मुंह को कपड़े या हाथों से ढक ले। भालू को उकसाने का या उसका पीछा करने का प्रयत्न ना करे। यदि आपके क्षेत्र में भालू की मौजूदगी है तो घर के चारों ओर जाली होनी चाहिए और कूड़े या बचे हुए खाने का निकाल आसपास न करें, क्योंकि भालू इसे खाने के लिए आ सकता है। शौच क्रिया के लिए जंगल में न जाते हुए शौचालय का उपयोग करें। भालू संरक्षण हमारा कर्तव्य है, अन्यथा यह बांग्लादेश की तरह भारत से भी लुप्त हो जाएगा। इसलिए इसके निवास स्थान की रक्षा की जानी चाहिए और भालू के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। यदि हम बाघों, एशियाई शेरों और गेंडों के संरक्षण के लिए प्रयास कर सकते हैं तो हमें भालुओं के संरक्षण के लिए भी प्रयास करना ही चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
ये हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि स्लॉथ बेयर, जिसे हम अपनी भाषा में भालू कहते हैं, स्लॉथ बेयर केवल भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। उनके पास भी ईश्वर के द्वारा रचित धरती पर निर्भयता से जीने का अधिकार है। अतः आइए हम सब मिलकर भारत के भालुओं के लिए ये संकल्प करें कि हम उनकी और उनके आवास की रक्षा करेंगे तथा समाज में भालू के साथ सह अस्तित्व की भावना बनाए रखेंगे। अनेक धन्यवाद। नमस्कार।